हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह का वक्त है, करीब 7:15 बजे हुए हैं। सूर्य देवता सामने प्रकट हुए हुए हैं। अभी मैं 7 बजे स्टार्ट किया है और अभी मैं इसका जो है ट्रिप भी मैं भी जीरो कर लेता हूँ। जस्ट अभी बिल्कुल घर से निकला हूँ और ये देखते हैं कि मैं कितने टाइम में पहुंचूंगा। और अभी मेरे को जो है ना इसमें CNG भी फुल करानी है। अभी मैं इसके ट्रिप को कर लेता हूँ जीरो पहले तो। राइट, देखो अभी क्या है, ट्रिप मेरी जीरो हो चुकी है। अब तो ये जितनी भी ये जर्नी रहेगी ना मेरी CNG पे ही रहेगी। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि कितनी देर में ये जर्नी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों 295 रुपए की गैस आई है, लगभग 3.8 kg के आसपास। तो अब आप देखो टैंक जो है CNG का फुल हो गया और गाड़ी जो है वो CNG पे ही है। ट्रिप मेरी ऑलमोस्ट मैंने लगा दी थी तभी। राइट, तो अब आप वीडियो का मजा लेते रहिए। रास्ते में बीच बीच में आपको मैं अपडेट करूंगा कि कैसा एक्सपीरियंस है और कितना टाइम मेरे को जो है एग्जैक्टली लगा है पहुंचने में। तो भाइयों ये देखो सुबह सुबह है, आनंद लीजिए। सामने पहाड़ है, चंडी देवी का पहाड़ है, सामने मंदिर है। ये देखो ये यहाँ पे बैराज है, ये आप देखो क्या सही सुबह सुबह सीन लग रहा है। वैसे जो असली घूमने फिरने का मजा है ना वो या तो देखो सुबह में ही है या आपका मिलता है रात के अंदर। राइट, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता ना, एक तो आप आराम से अपना अगल बगल देख सकते हो कि भाई क्या सीन है। अब दिन में इतना ट्रैफिक रहता है कि मतलब सड़क से ध्यान ही नहीं हटता है बिल्कुल भी। सीधा देखो सीधा, वो सही भी है वैसे, अपना ध्यान जो है वो भटकाना नहीं चाहिए आपको। राइट, तो देखो सुबह सुबह और ये हमारे देश का प्यारा झंडा तिरंगा लहराता हुआ। सही, क्या मतलब मस्त लग रहा है यार। मतलब देखो सूरज की किरणें दो पहाड़ों के बीच में छन के आ रही है पूरी। राइट, तो आप अभी वीडियो में बने रहो, आनंद लेते रहो, मैं आपको बीच बीच में अपडेट करता रहूंगा। भाई साहब ये देखो, ये है जंगल एरिया पूरा। ये देखो पूरा नदी जा रही है साइड में निकल के, और ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है ये पूरा फॉरेस्ट रेंज है। ये थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता है जाने का। ठीक है, तो ये देखो ये सुबह सुबह बंदर वगैरह देखो अभी आपको दिखेंगे, पीछे काफी सारे गए थे, सड़कों पे आ रहे हैं। मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूँ कि जब कभी भी हम लोग पहाड़ में जाते हैं ना, वहां देखो साफ साफ लिखा भी होता है कि जब कभी भी आप पहाड़ में जा रहे हैं ना, तो जो जानवर हैं जैसे बंदर वगैरह हैं, इनको खाने पीने का आइटम मत दिया करो यार। क्योंकि क्या होता है ना, खाने पीने का आइटम देने से एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि जब ये खाने के लिए आते हैं ना, एक तो क्या है देखो उनके लिए ये सब चीजें ठीक नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जब ये खाने के लिए आते हैं ऊपर, ये खाने पे एकदम टूटते हैं ना जब हम इनको डालते हैं खाने करने के लिए, तो इससे क्या होता है एक्सीडेंट होने के चांसेस बन जाते हैं यार। आपने कभी देखा होगा जब कभी फेंकते हैं ना, तो ये एकदम सडनली झपट्टा मार के आते हैं। तो भाईयो 58 किलोमीटर हो चुके हैं और टाइम अभी आप देख लो 9:45 बजे हैं। अभी थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, एक तो रोड बहुत खराब थी, ऊपर से अब देखो जैसे जैसे दिन होता जाता है वैसे वैसे जो लोकल सिटी ट्रैफिक है वो बढ़ता जाता है। तो अब क्या है ना यार, भगाने का मतलब ये नहीं है कि अनसर्टिनिटी दौड़ाते ले जाओ, थोड़ा सा देख संभल के भी चलना पड़ता है। 5-10 मिनट की देरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट सेफली ड्राइव करना चाहिए, कहने का पर्पज ये है। तो दोस्तों अब रोड जाके थोड़ा ठीक आया है, अब गाड़ी जो है ना देखो 80 पे चल रही है और CNG के लगभग 2 या 3 बार जो है वो खत्म हो गए हैं और 65 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। राइट, अब क्या है मैं इस गाड़ी को आराम से नहीं चला रहा हूँ, एक तो मुझे भी लेट है थोड़ा सा और मैं बहुत मतलब खींच के गाड़ी को चला रहा हूँ। इवन अब गड्ढे गंदी सड़क भी आई थी ना, बेकार टूटी फूटी सड़क है, उसमें भी बहुत दबा के दौड़ा के लेके आया हूँ मैं। और अभी भी क्या है कि मतलब बिल्कुल धीरे नहीं चला रहा हूँ, 80-90 मेरी स्पीड मेंटेन रहेगी। जहां जहां स्पीड की लिमिट्स है देखो वहां तो 80 क्रॉस हो नहीं सकता, क्योंकि देखो अब तो क्या है वो ऑनलाइन चलान के तो चलन चल पड़ा है ना भाई, मशीन दूर से डिटेक्ट कर लेती है और दूर से रोक लेते, तो अब तो वो चांस नहीं बचा।
एक बार गलती कर चुके हैं और बहुत सारे भाइयों ने एक चीज मेरे से पूछी थी कि कितना किलोमीटर हम लगातार इसको चला सकते हैं। देखो मैंने उसका जवाब ये दिया था कि यार आपके ऊपर डिपेंड करता है, गाड़ी को इतनी चला के ले जाओ कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर यार आप ही कंफर्टेबल नहीं हो गाड़ी को दौड़ाने में चलाने में, आप मतलब बॉडी अगर थक गई है, हल्की हल्की नींद आ रही है या इस टाइप की कंडीशन है ना, उस कंडीशन में गाड़ी हमेशा अवॉइड करो चलाना और गाड़ी उतनी ही चलाओ जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है। तो भाई ये देखो यहाँ से ये अब टोल रोड स्टार्ट होती है। सामने आप देखोगे लिखा, देखो शेरकोट जो है 26 किलोमीटर, जसपुर जो है 66 किलोमीटर, काशीपुर 84 और नैनीताल 188 किलोमीटर। तो ये अब जो है ना यहाँ से एक्चुअल जो टोल है रोड है वो स्टार्ट होती है, राइट। अब यहाँ से आप रोड का मजा लो, अब स्पीड जो है अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगी, राइट। अब देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगेगा मेरे को पहुंचने में डेस्टिनेशन तक। तो अभी देखो टाइम जो है वो 9:07 के करीब हो रहा है। अब गाड़ी की थोड़ी स्पीड वगैरह मेंटेन रहेगी यहाँ से, तो अब लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक। एक तो जब भी इतनी हाई स्पीड से जा रहे हैं ना, जैसे देखो अभी 80 की स्पीड पर चल रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या करो, जो आपकी शीशे है ना इनको ऑफ करके रखो, और मतलब इनको ऊपर तक चढ़ा के रखो, क्योंकि क्या होगा अगर आपके शीशे नीचे रहेंगे ना, तो एक तो देखो ड्राइविंग करने में बहुत ज्यादा समस्या आती है, अननेसेसरी की जो आवाज आती है, इतना जो वैक्यूम बनता है। मैंने ऑलरेडी इस पे ना एक वीडियो बनाया था कि अगर आप जो शीशे खोल के जब गाड़ी चलाते हो या शीशे बंद करके चलाते हो ना, तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। भाइयों देखो अभी टाइम देखो बज चुके हैं 10, ठीक है, और जो मैंने किलोमीटर अभी पूरे किए हैं वो लगभग अभी 138 किलोमीटर किए हैं, राइट। और एसी भी अभी चल रहा है, काफी टाइम से एसी चला लिया है क्योंकि सूरज देवता बिल्कुल सामने है, फ्रंट में है, तो अब लग रही है गर्मी, तो एसी मैंने चला लिया है। गाड़ी की जो स्पीड है वो कंटिन्यू जो है वो 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से मैं ड्राइव कर रहा हूँ बराबर। अभी एक चीज मैं आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब काफी लोगों ने पूछा ना कि कितना किलोमीटर आप लगातार चला सकते हो, तो मैंने आपको बताया कि भाई जितना बॉडी अलाउ करती है उतना चलाओ। अब मजे की बात क्या है, जब से मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है ना 138 किलोमीटर पूरे हो गए, तो मैंने जब से लेके अब तक गाड़ी बंद नहीं, और देखो कि मैंने गाड़ी अब तक एक बार भी बंद नहीं किया और ना मैं एक बार गाड़ी से उतरा हूँ, तो अभी तक तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही है मेरे को कि भाई ऐसा लगे कि गाड़ी कुछ लोड मांग रही है या कुछ ऐसा। एक क्या होता है ना, जब आप गाड़ी अपनी चलाते हो ना, तो आपको पता होता है कि आपकी गाड़ी बिहेव कैसा करती है। अगर कुछ भी जरा सा भी ऊपर नीचे मतलब होता है ना, समझ रहे हो ना, तो मतलब वो गाड़ी बता देती है और आप उस चीज को जज कर सकते हो आराम से। तो अभी तक तो फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सीएनजी का टैंक जो है लगभग आधा हो गया है और अराउंड 185 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल चुकी है। गाड़ी एक बार भी नहीं रोकी बीच में और गाड़ी का एसी वगैरह भी ऑन है। तो अभी जहां मेरे को जाना है अराउंड आई थिंक 30-35 किलोमीटर और रिमेनिंग होगा, और अभी टाइम जो है वो देखो 10:45 हुआ है। अब यार शहर में ना अब ये समस्या बहुत होती है, अब देखो वन साइडेड चल रहा है पूरा ट्रैफिक, अभी क्या है आई थिंक वो पूरा काम चल रहा है वहां पे हाईवे पे, और यहां से थोड़ा सा ये स्ट्रेच है आई थिंक 10-12 किलोमीटर का, तो ये पूरा सिटी के अंदर से निकलता है। अब यार आप जानते हो ना इस टाइम देखो अभी 11 बजे पूरा सिटी में ट्रैफिक निकलना शुरू हो जाता है, और ये यहां से निकलना तो फिर एक बहुत बड़ी महामारत है। अब ध्यान से चलाना बहुत जरूरी है यहाँ पे, अब क्योंकि पता नहीं होता कौन कहाँ से आ रहा है क्या कर रहा है। अब देखो रिक्शा भी यहीं चल रही है, मोटरसाइकिल भी चल रही है, ट्रक्स भी जा रहे हैं, बड़े बड़े ओवरलोडेड जो ट्रक हैं वो जा रहे हैं, प्लस आपके जो बसेज हैं वो तक जा रहे हैं, तो ये अभी मेन हाईवे फिलहाल तो यही बना हुआ है। तो दोस्तों मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ और अभी टाइम देखो 10:45 बज रहे हैं। बीच में जो घंटा भर खराब हुआ ना 1.5 घंटे के आसपास, बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया, क्योंकि देखो शहर के अंदर से निकलना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है। और आपको अगर मैं दिखाऊं तो देखो ये अभी 217 किलोमीटर के आसपास ना, आसपास क्या 217 होने वाली है, 217 किलोमीटर जो है ये गाड़ी चल चुकी है। और अभी सीएनजी में बताऊं तो 1 2 3 4 4 हाँ
4 पॉइंट अभी सीएनजी के बचे हैं, तो अभी भी ये काफी चल रही है। और देखो गाड़ी जो है एसी पे चल रही है, तो भाई कहने का मतलब आज मैंने पहली बार इसको ट्राई किया है, ये नॉन स्टॉप गाड़ी आई है, मैं मतलब उतरा भी नहीं हूँ लिटरली गाड़ी में से, सुबह चला था जैसे आपको टाइम बताया था मैंने 7 बजे, तो अभी एक बार भी बंद नहीं किया, तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं लगी कि भाई गाड़ी स्ट्रगल कर रही है या गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई अब मैं अपनी गाड़ी जो है वो बंद करूंगा, और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लंबी दूरी तय करके आते हैं ना, मान लो अगर 20, 25, 30 किलोमीटर भी 40 किलोमीटर अगर आप गाड़ी चला रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो गाड़ी ना एकदम से ऑफ मत करो, थोड़ा सा कम से कम आप 10, 15, 30 सेकंड तक रुको, मैक्सिमम रुक सकते हो तो 30 सेकंड तक इसको थोड़ा आइडियल इंजन इसका रहे होने दो, अपनी जो नॉर्मल आरपीएम पे जो होता है, उसके बाद फिर आप अपनी जो इंजन है अपनी गाड़ी है उसको स्विच ऑफ करो। ये इसका एक लॉजिक भी होता है, वो फिर मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो भाई अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर से अभी फिलहाल गाड़ी की जो कंडीशन है वो क्या है। भाई 200 प्लस गाड़ी चल के आई है, तो अभी आप देखो हमारी अल्टो जो है हमें ले आई हमारी डेस्टिनेशन तक, और मौसम बहुत जबरदस्त हो रहा है भाई। तो भाई आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।